तनी संद्रा वार्ड अवाम परेशान। बीबीएमपी की लापरवाही का नतीजा। जहां सड़क नाली कचरे से परेशान हाल और बुनियादी सहूलियात से महरूम। बेंगलुरु के बैतरापुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का तनी संद्रा वार्ड नंबर 6 में अवाम को बुनियादी सहूलियात मुहैया नहीं है। लोगों का ये इल्जाम है कि वार्ड में जिस तरह डेवलपमेंट, तामीराती और तरक्याती काम किया जाना था वैसा नहीं किया गया है और वहां के काउंसलर और एमएलए को कंप्लेंट देने के बावजूद भी काम को मुकम्मल नहीं किया गया है। दुकान और घरों के सामने कचरा रहता है। सड़क खराब होने की वजह से कई लोग गिर के जख्मी भी हुए हैं। नाली का सिस्टम सही नहीं है। बारिश आने पर घरों में पानी घुस जाता है। नल के पानी का मसला हमेशा रहता है। लोग पानी खरीद कर लाते हैं। स्ट्रीट लाइट सही से चलती नहीं है। क्या नाजरीन सच में तनी संद्रा वार्ड में इतनी परेशानी है? तो चलिए चलते हैं तनी संद्रा वार्ड को। आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन। हम इस वक्त मौजूद है तनी संद्रा वार्ड के फातिमा लेआउट में। आप देख सकते हैं कि किस तरह खस्ता हालत है। एक गंदा पानी यहाँ पर बह रहा है, बहुत बड़ा नाला है। इससे पहले यहाँ पर बारिश आई थी, काफ़ी घरों में एक गंदा पानी घुस गया था। इससे काफ़ी यहाँ के लोगों को दिक्कत हो रही है। और चंद रोज़ पहले यहाँ के साबिक वज़ीर आला सिद्धरमैया और यहाँ के MLA यहाँ पर आकर इसका विज़िट करते हैं, इसका सर्वे करते हैं, लेकिन अभी तक इस बड़े नाले का कोई काम नहीं होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये बहा जा रहा है। एक नारा दिया जाता है कि स्वच्छ भारत अभियान, ये स्वच्छ भारत अभियान का एक तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है। क्या करना बोलो, यहाँ इतनी फजीती पड़ी है, कौन भी आपको देखता नहीं, खाली वोटिंग अंकों को आती, वोट डालो वोट डालो वोट डालो, क्या वोट डालेंगे बोलो। हाथ दिए को बसाई सर का होगा हमारा खिस्सा घर गली का, देखो पूरा नाले में का पानी पूरा घरों में घुस गया। कौन तो ब्याह को पूछा वोट अंक वास्ते आ जाती, नलों में पानी नहीं है, पानी नहीं से वहां उठा रही, वो से पानी आ रहा है, पानी दस दस घड़े पानी क्या बसाता बोलो हम ना लोगों को। एक दो जने ही घर में, 12 जने ही सो हमारे, 12 जने का वोट तुम ना डालना, अब डालेंगे हमें, हमारा सहूलत करे तो छमे डाल 300, नहीं तो नहीं 15 साल 20 साल के ऊपर होगा। एक लाइट नहीं गली में, पूरे अंधेरे में रहना, छोटे छोटे बच्चे बुढ़े मैं सब छाटे जाको, गिर को मर को चले जाना, इनको वोट को दे डाल, हार डाल लेकर आराम से बैठ जाती, ये नपा आई तो वोट आ गई तो नमस्कार होगा, हार डाल लेता बैठ जाता है उसके स्टेज फॉर्म ने। मालूम करे ऐसी फजीती है हमारी गली की। कौन जिम्मेदार इसके घर को? कौन ही जिम्मेदार है? जिम्मेदार कौन आता है? कौन भी जिम्मेदार आता नहीं, कौन भी आता नहीं, जिम्मेदार कौन भी नहीं है यहाँ। वोटिंग वोटिंग लेने कैसे आती मालूम है? कई को आप डालती है, झाड़ू का कट्टा समारती है आपको, मालूम करे क्या समझ गई सो, वोट पर जाता कर को हमारा कीमती वोट जी। तुम्हें हर बार वचना करती है, हर क्या कौन था कौन तो भी बोलेगी लेने पैसे लेको डाल रही कर चप्पल निकाल को मार चू मुंह के ऊपर वैसा चू बैठ जाना। अब फिर आको नो आंदे आंदे उनो, पहले लाइट डालना, रोड सही करना, मोहरिया सही करना, तभी से मैं वोट डालती हूँ, ये कदमी भी नहीं डालता वोट। को 5 साल होना, कितने बार आको है तुम्हारे? कौन एक बार भी आको नहीं है उन्हें, एक बार भी आको नहीं है। खाली हो नाले के पास क्या की स्पीच रखा था, थालिया मजा डाले हार डाल लिया चलेगा। 2000 रुपए मांगे, 2500 रुपए मांगे, वैसा देखो कावेरी के पानी को नाला डाले तो वो भी पानी आया नहीं, एक CMC का पानी नहीं, मोहरिया बराबर नहीं, बारिश आते ही घर के अंदर सभी पानी आ रहा है, बच्चे छोटे छोटे नाले का बड़े नाले का गलीस पानी सब घर के अंदर आ रहा है, ऐसी तकलीफ हो रही है। हेल्प करो का तो कौन भी चाहो हेल्प कर रही नहीं, आ रही जा रही कौन भी हेल्प कर रही नहीं, हम ना रोड तो बहुत फजीती हो गई है। पानी आता घर में घुसता भैया, छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाना,
क्या भी कराने के पैसे मांगते हैं, अब कहाँ से ला को देना। साल में एक बार आते, उन्हें पैसे मांगते, पैसे कहाँ से ला को देना। पानी घुस गया, घर में घुस गया, पानी पूरा चले गया, बाहर नहीं जाता, पूरा चंबर फुल भर को है। ये बच्चे सी पानी में तीर लगते, पीने का पानी, बरतने का पानी का सिर्फ वहाँ टैंकर 8 दिन में 2 बार आती है, उसे भी पैसे देना, 20-20 रुपए, 25-25 रुपए देना। फ्री को बोलती पैसे ले लो, जाती पार्क होना, झूला होना, एक्सरसाइज का ये वो सब होना। अभी क्या वो बोलते सो घर में सब पानी में सब घुस जाता, हमारा घर देखो क्या होगा हालत, हम पूरा घुस गा। पार्क होना तुम ना? हो होना, पार्क नहीं है यहाँ, पार्क नहीं है। अभी क्या वो बोलते सो ग्राउंड भी नहीं है खेलने, यहाँ खेलने के ग्राउंड भी नहीं है, पार्क भी नहीं है। हमें गलिया में खेले तो गाड़ियाँ वाले आकर डाती हम ना, यहाँ नहीं खेलना, तुम्हारे घर के पास जाओ, ये तुम्हें यहाँ खेलना ही नहीं, तुम्हारा ये क्या, तुम्हारे घर के पास जा खेलना, यहाँ गिलासान से भी फूट जाती हैं, तुम्हारे घर में जग बैठो जाओ कर को बोलती हैं। अभी यहाँ पार्क भी नहीं है, यहाँ काम भी दूर दूर भी, खाली ग्राउंड भी नहीं है, यहाँ बड़ा ग्राउंड भी नहीं है खेलने के लिए। ग्राउंड में गलिया में खेले तो भी अलडाते रहती हैं। हमारे गली में ना सैनिटरी है, ना पानी का, ना मोहरिया का, ना रास्ता कहीं का भी है नहीं। हमें भी बल्ला के टाइम में गली के वास्ते जाकर फिर को है, किसके तरफ से भी क्या भी है किया हो रहा नहीं। बारिश है तो घर में पानी, ना रास्ते की सहूलत, ना कुछ भी नहीं है हमारे गली में। ज़रा ये कर को 3 महीने से आपको बारिश का पानी यहाँ खट जा रहा, बच्चे आने के वास्ते इतना प्रॉब्लम हो रहा, वो भी रास्ते में देखो, रास्ते में पानी ऐसा खड़गा तो बच्चे कहाँ से आना, वो खुंदल को अंदर आती, बीमारियाँ पड़ जा रही बच्चे, फिर खांसियाँ सर्दियाँ सब भी हो जा रही। तो यहाँ कचरा ले लगा को पूरी पब्लिक ले लगा कचरा हैंज डालती है, कितना सर कॉल करे तो भी खाली कंप्लेंट्स लेती, मगर आको तो उठाते नहीं कौन भी। वो BBMP के चुपके गाड़ियाँ ही 15 दिन को एक बार की क्या क्या आती है सो गाड़ी, वो कचरा ला कचरा डाल डाल को कचरा जला को चल जाती, कचरा ले लेका को हैंड जलाती, वो धुआं पूरा स्मोकिंग पूरा अंदर आते रहता, बच्चों को कितना इफेक्टनेस होता नहीं, कचरे वाले आको जला को जाते हैं सो यहाँ। ये जो सैनिटरी का पानी रोड जाले को है, टॉयलेट का पानी ऑलमोस्ट 3 महीने से जाले को है, 3 महीने से भी कंप्लेंट कर रहा हूँ मैं। BBMP के यहाँ गए थे, रेवेन्यू ऑफिस के थी, दासरली को गए तो हमारा ये सैनिटरी का नहीं आता, हमारे मोहरियाँ क्या करो बोलती, जब कहते तो BWS को कंप्लेंट करे तो हमें अभी तक लेना देखो नहीं, उन्होंने कनेक्शन ना कर लिया, तो बीच में सफ़र कर रही स्कूल के बच्चे पब्लिक सब, और देखो ये जो खुली मोहरी है कौन भी पूछने वाला नहीं, कहता तो फ़ोन ना करे तो कोई भी रिस्पांस भी नहीं है थोड़ा कोई। और जब भी बारिश का पानी आता पूरी गली भर को खड़ जाता है, भर को खड़गा तो यहाँ स्टैगनेट होता है, बीमारियाँ आ सकती हैं, कचरा भी इस टाइम पर उठाते नहीं, कपड़े कचरे को भी कई बार कंप्लेंट करको, मेरे पास फोटोस ही, और BWSS को भी मैं कंप्लेंट कर, 3-3 बार कंप्लेंट करको, कंप्लेंट नंबर आता है, कंप्लेंट नंबर आया तो क्या बोलती, ये मेरा इलाका नहीं, ये लहंगा का है, इसे विनायका को फ़ोन करो तो विनायका बोलता मेरा नहीं, उन्हें दूसरे का ला, ये वार्ड नंबर 3 को नहीं आता, खाली वोश नाटक, इन्हें इसे डालता है नहीं उसे डालता है, इसे कंप्लेंट हेड ऑफिस को करे तो कस्टमर केयर को करे तो भी उन्हें भी ऐसे बोल रही, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, 3 महीने से भी ज़्यादा हो गए ये सॉल्व नहीं होने का रहा, क्या करना समझ में नहीं आ रहा मुझे भी। ऑलमोस्ट 10 साल से या तो कचरा पैक हो रहा है, या तो मोहरियाँ पैक हो रही, या तो यहाँ पर सैनिटरी का कुछ फैसिलिटीज है। BBMP वाले को कंप्लेंट करेगा तो BBMP वाले BWSSB वाले के ऊपर बोलते हैं सैनिटरी के बारे में, UGD के बारे में। UGD का पानी आकर अबूबकर मेन रोड में रमज़ान से पहले से पानी जाले का, रमज़ान से पहले से पूरा पानी जा रहा है, कंप्लेंट करेगा तो आज तक आकर कौन भी वहाँ पर ये बराबर करया नहीं, बोलेगा तो BWSSB वाले ये हमारा अंडर हमें कलेक्शन देने अभी अप्रूव देखो नहीं, BBMP वाले बोले तो हमें मालूम नहीं करती। अब जाकर पब्लिक किसे बोलना सो, ये जो यहाँ के कारपोरेटर जो MLA हैं इन्हों आकर सहूलत करके देना था से यहाँ पर, इन्हों आकर टोटल फेल्यूर हैं, खाली जहाँ पर इन के छेले हैं, इन के फॉलोअर्स हैं वहाँ पर जाकर रोड एंड सैनिटरी UGD हर सहूलत कर देकर रही, जहाँ से इन्हों जीत कर रही हमें जो वोट अंदल को जीता है वहाँ पर आकर हमना कचरे में रहने छोड़ी, इन्हों हमना आकर गलीस पानी में जिंदगी करने छोड़ी, रोड आने के रोड बराबर नहीं, धूल से
सांस लेने प्रॉब्लम हो गया, ऐसी एक तकलीफ हो रही है। बास तो ऐसी बास एरिया के अंदर कोसे एरिया के कोने में गए तो भी पूरी जगह कचरा कचरा दिखता है। तुमना तनी संद्रा नाम काल को कचरा संद्रा कर को रखना, ऐसी हालत है हमारे एरिया के अंदर। क्या सर, इतना धूल कि पूरा वेस्ट हो जाता है, हमारा जो है पूरा मटेरियल वेस्ट हो जाता है। क्या करना, ऐसा रोड है, ऐसा रोड पे चलिंग नहीं होता है, इतना धूल आता है उड़ता है। क्या करना साहब, कब रेडी होता है साहब? बोलो कब रेडी होता है, तुम कब रेडी होता है साहब? कोई आया था क्या इधर? कोई नहीं आया इधर, कोई देखने नहीं आता साहब। हाँ। कोई नहीं आता, पूछने वाला कोई है? कोई भी पूछने वाला नहीं आता। हाँ। एक भाई हमारा ये आते हैं कभी कभी पूछने वाले, कौन भी नहीं आते। इजाज भाई, गली जागी जो है वो बारिश आया तो प्रॉब्लम है, और कौन भी सर्वे करने नहीं आते हैं। खाली आते वोट के डेम्बो वोटिंग का क्या है, पूरा लिस्ट होना ये होना गति काम तो क्या भी कर को दे रही नहीं। चार जगह बुलाते यहाँ आ जाओ वहाँ आ जाओ, बोलो क्या भी तो करने वाले कौन भी नहीं। पब्लिक पूरी गया भाग दौड़ करती है, कौन भी कहते करे तो क्या फ़ायदा है। अब यहाँ पूरा सेंक्शन होता है ये होता है, 25,000 रुपये बोला लगा पूरा फार्म हम सब ली, क्या भी तो किसी भी आया नहीं को बोल को बोल रही। जरे जरे मैं भी एमपी ऑफिस को भी गया था तो उन्होंने क्या बोले, अपडेट हो गए पूरा लिस्ट है दो हमारे पास को बोल को बोल रही। पानी जो बारिश आता है कभी भी ह्यूज बारिश आया घर को बोले तो, ये जो नाला है सामने नाले से रिवर्स आया था पानी, पानी आया बोला था। अब ये जो लास्ट टाइम हुआ एक 15 साल पहले भी सेम ऐसा चौको था इशू, आधे आधे घर भर गए थे। अब परसों नहीं, मतलब जब भी हर बार बारिश, जब भी बारिश आया तब भी होता है, और अब जो आया बहुत हेवी था बारिश, बहुत बारिश भी हेवी था, नल्डे तलक था पानी। यहाँ जो गाड़ियाँ डूब गए थे बाद में जरा 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 रोज 4 घंटे तक वापस गया पानी। लेकिन हालांकि संपा पूरे भर को फंसी थी, पूरा चैम्बर का पानी घर भर को पूरा, ये तकलीफ है। पानी की जो है सहूलत, जो जाने की सहूलत नहीं है यहाँ, बीबीएमपी का काम वैसा पाक होको नहीं है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए हजरात, यहाँ पे मसला ये है कि ये रोड जो है कम से कम 1 साल से या 1.5 साल से पड़ा है, ऐसे ही पड़ा है। यहाँ पे बारिश जब होती है तो यहाँ पे कदम रखने के लिए जगह नहीं होती है, तो इस सूरत हाल में मैं बच्चों को पढ़ाऊँ कैसे, जब वो आते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, छोटे हैं बड़े हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप जो है इस मोहल्ले के लिए कुछ करें, और इस यहाँ पर जो है जल्द अज जल्द रोड की जो है कुछ यहाँ पे इंतज़ाम करें। यहाँ पे बहुत सारे, हाँ, और पानी का मसला भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ पे जो है बच्चों को अगर पीने के लिए पानी मैं बाहर से मंगा कर डालना पड़ता है, और बिजली तो भी जाती है। जी बिजली, हाँ, और करंट जो है इतनी बार जाती है कि बच्चों को मैं अंधारे में पढ़ाना पड़ता है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए जो है मैं गुजारिश करता हूँ कि इसका जो है थोड़ा अच्छे तरीके से बंदोबस्त करने की कोशिश करें। ठीक, काम नहीं करें, कौन कौन पैसा देती उनके बात सुन लग जाती, कौन पैसा देती अंदर से ले लेती। गवर्नमेंट से सेंक्शन हुए क्या पानी का? नहीं है, पानी के नलों का फिटांग का सभी सेंक्शन हुआ है। अब फिटांग कलेक्शन लेने भी 5,000 रुपये दियो 10,000 रुपये दियो, जब कलेक्शन ये लिए गवर्नमेंट से हुकूमत से सेंक्शन हुआ तो पूरा काम करना किसका काम है? उनका, उन्होंने हमारी मस्जिद के किट कुछ फोड़ा लेते। मैं बोले क्या भी है अगर पूछा तो, सर ये तो किट क्लीन मारी ना पाइप हाँ कर दी। अब कितने किटा उन्होंने फोड़ लग जा रही है, वो क्लीन करने वास्ते हमें पैसा डालना सो, तो गवर्नमेंट क्या करती है सो? खाली घर में अपने अपने बंडला मना लगो जेवा मल रही तो फायदा नहीं है। मेरे दुकान के सामने लगा को कचरा डालते नहीं थे अजमियापुर है, बोले तो उल्टे बातें करते हैं, कौन भी हम ना उल्टा पूछते तुम्हारी सेट क्या क्या कर बोल को बीबीएमपी वाले कौन भी ऐसे क्या भी ऐसे ये करते नहीं। यहाँ कचरे की गाड़ी हफ्ते में एक बार 10 दिन में एक बार यहाँ आती है, वो कचरे की गाड़ी नहीं है इस वजह से लगा को अदमे क्या करते तो खाली सेट पर डालते हैं। कचरे की गाड़ी बराबर आको बराबर ये करे तो बराबर हम लोग अभी परेशान रहती नहीं कार्नर का। अब रिसेंटली बारिश पड़ा, ये पूरा मोरियाँ भर जा को बुक को आ जा को पूरा पानी घर में घुस गया, और ये कचरा हर टाइम भी मैं बीबीएमपी वाले बोला तो हमारा नहीं है, दूसरे अंग अपने किसे बोलना हमें? बीबीएमपी वाले बोलते हैं हमारा नहीं है कर को, और सुबह को कचरा उठाने वाली गाड़ी कब की हमें रेयर देखते सो, वो भी आई तो आई नहीं तो नहीं, वो भी मच्छरों का इतना काटो हर आदमियों को कचरा यहाँ डालो ना को तो भी डालती अपने आदमी अपने यहाँ कचरे का ही नहीं चाहिए यहाँ डालने की वजह क्या तो नहीं गाड़ी नहीं है हम आपका आदमी यहाँ से डालती हैं मजबूरी। उम्र 70 साल है, मैं एक सर्विस मैन लेआउट में आई हूँ। आज तक कृष्ण बेरे गौड़ा को 4 महीने अव्वल में वीडियो करके भेजा था व्हाट्सएप पर, आज तक उसका जवाब नहीं, इतना गलीज आदमी मैं देखा नहीं। और ममता को तक जाके बोला, और व्हाट्सएप का पूरा रिकॉर्डिंग के साथ भेजी, निकल थोड़ा देखो आप।
ऐसा रोड ऐसा ऐसा है, एक फैसिलिटी नहीं है, एक सर्विस मैन लेआउट करके वोट डाली, आज तक उसकी फैसिलिटी नहीं। कहती भी बोले तो वो देखता खाली हाफ करते रहता है, मालूम हो ऐसा MLA है तो क्या, नहीं है तो क्या, बोलो क्या हमें उसके पास एक पैसा कहीं मजबूरी देखना नहीं है पब्लिक के, उसके वास्ते मैं रिकॉर्डिंग कर रहा तो मेरा 4 वारंट सिंह को उसका कौन की पीए फोन किया मेरे को, आज तक आया नहीं, डेट के साथ निकाल तू मैं फोटो रिकॉर्डिंग करके भेजूँ, आज तक उसका जवाब नहीं। हमारे जैसा ऐसा मैं 5 साल से हूँ बाजी का लेआउट इज एक सर्विस मैन लेआउट। कर को जाए मट्ठी खा रही, वो ममता तो फिर को देख रही है नहीं इधर, मालूम हो 5 साल में कितने बार एक बार भी आया नहीं, वह मैं बताता हूँ एक बार कौन भी आया नहीं, पब्लिक की तकलीफ ये कर रही नहीं, पब्लिक मर रही है, कौन भी साथ देने वाला नहीं पब्लिक को, किसने बैरेगौड़ा बैठ रहेगा उधर क्या कर रहा उन्हें बताओ, आज पब्लिक की क्या तकलीफ है देख रही कौन तुम्हें, आप ही बताओ। मैं रिकॉर्डिंग के व्हाट्सएप के ऊपर भेजा मैं, मेरे पास निकाल हरामी वैसा कर को गए, देखो दिखा रहे यहाँ से देख कृष्ण बेरेगौड़ा यहाँ है देख रहे देखो इधर इधर कौन निकाल रहा इधर दिखो कौन दिखा नहीं आ रहा, मैं भेज रहा हूँ पब्लिक के वास्ते मैं वहाँ खा पड़ी हूँ डिलीट होगा वो डिलीट होगा डिलीट होगा खाली वीडियो मैसेज भेज को भी यही हूँ आज मैसेज बताओ दिखा रहे वीडियो भेज को ही सो डेट के साथ दिखा तू मैं होना तो ऐसा क्या लिखो ही पढ़ो आप पढ़ो आप उमरा वाले कैसे जाना उन्हें राजा बन के बैठ गया वहाँ सरकार सहकारी नगर में यहाँ की तकलीफ कौन देख रही है आज।